नाउ ये आपके सामने फुटेज है माउंट आसो की, जापान का सबसे एक्टिव वॉल्केनो, जिसका एक बहुत ही बड़ा इरप्शन हुआ है रिसेंटली। और जिस लेवल का इरप्शन यहाँ पर हुआ है और लगातार ये इरप्ट करे जा रहा है, इसकी जो ऐश है बताया जा रहा है कि आसमान में 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी गई है। ये लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन देखते हुए जापान की सरकार ने यहाँ पर ये कहा है कि किसी को भी इस वॉल्केनो के पास नहीं जाना चाहिए। लास्ट टाइम आप अगर देखो तो 2014 में इसी टाइप का एक इरप्शन हुआ था, मगर बहुत से जापानीज लोग एडवेंचर के लिए बहुत पास चले गए थे वॉल्केनो के, और इसी वजह से 60 से लेकर 70 लोगों की मौत भी हुई थी। और अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि पिछले कई महीनों में लगातार न्यूज आ रही है कि कभी एक स्पेन में वॉल्केनो इरप्ट हुआ, एक जापान में इरप्ट हो गया है, तो इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है। 2017 में साइंटिफिक अमेरिकन ने एक रिपोर्ट पब्लिश करके ये प्रूव किया था विद एविडेंस कि जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ेगा ज्यादा आपको वॉल्केनिक इरप्शन दिखेंगे। तो अभी बस शुरुआत है, लगातार आप देखोगे इन द फ्यूचर 20-30% बढ़ोतरी आपको दिखेगी दुनिया भर में वॉल्केनिक इरप्शंस के नंबर्स में।